बाबलो कोई इंसान कितना ही दरिंदा हो सकता है, मतलब किस हद तक गिर सकता है। चलो अगर वो कातिल है तो कितने ही मर्डर कर सकता है, ज्यादा ज्यादा 4 कर लेगा या फिर 5 कर लेगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर पुलिस प्रशासन भी तो है, वो ऐसे खामोश थोड़ी बैठेगी। और चलो मार भी दिया तो मारने के बाद कितनी दरिंदगी कर सकता है, वो टुकड़ों में मार काट करके इधर उधर फेंक सकता है। चलो सीरियल किलर ले लो, किस टाइप की खुन्नस हो सकती है वो जो उसने खुद झेले हो बचपन में। चलो ऐसा सीरियल किलर ले लो जो सिर्फ बच्चों को मारता है, वो भी बुरी तरीके से, और कितने ही मर्डर कर लेगा, ज्यादा ज्यादा 10 कर लेगा, क्योंकि उसके बाद भाई पुलिस प्रशासन भी तो है, वो ऐसे खामोश थोड़ी ना बैठेगी, तहकीकात करेगी, उसे भनक तो लगी जाएगी ना। लेकिन बाबा जब पुलिस प्रशासन ही सो रहा हो तब, बाबा मेरा दिल दहल गया। पूरे 25 बच्चों का मर्डर कर रखा है एक निडर सीरियल किलर ने, और बड़ी बात ये कि अपना प्रशासन सो रहा है। एक्चुअल में जिनके बच्चे गायब हुए वो FIR के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस FIR लिखने को तैयार नहीं है और इस मैटर को सीरियस लेने का नाम नहीं। बाबा आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्टर 36 मूवी जो ड्रॉप आउट हो चुकी है, और मेरी रूह कांप गई लिटरली, क्योंकि ऐसी हैवानियत हम इमेजिन भी नहीं करते हैं। बाबा मूवी में बिल्कुल रिलेट करके प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है उसको। विक्रांत मसी ए सीरियल किलर जो छोटे छोटे बच्चों को मारता है, उन गरीब बच्चों को जिनकी किसी को इतनी पड़ी नहीं रहती है, झोपड़पट्टी टाइप, लेबर पार्टी टाइप, उनके बच्चों को, और उनके ऑर्गन्स भी बेचता है, और इसी के साथ साथ दिल तो वहां दहला, भैनचोद उनके मांस भी खाता है ये बंदा। तो बाबा मैं वही कह रहा हूँ कि एक हैवान भी कितना ही दरिंदा हो सकता है, भाई रूह कांप जाएगी आपकी। छोटे छोटे बच्चे टुकड़ों टुकड़ों में मार काट करके यहाँ वहाँ फेंक देना, भाई विक्रांत मसी की ऑल टाइम रिमार्केबल एक्टिंग है इस पूरी मूवी में। एक साइको किलर कैसा होता है, और ऊपर से वो देसी पना उसके अंदर, भाई क्या सॉलिड कॉम्बो है एंड सॉलिड एक्टिंग करी है, तुम फील करोगे। दूसरी तरफ बाबा इससे नफरत हो जाएगी आपको, नफरत, बहुत जानदार काम किया है। उसके बाद दीपक डोबरियाल एज इंस्पेक्टर, जो पहले पहल लापरवाह था और पेरेंट्स इसे रिपोर्ट लिखाने के लिए आते भी थे, पर FIR करने की जगह उन्हें भगा दिया करता था। जब यही घटना उसकी खुद की बच्ची के साथ घटती है तब जाके उसकी आंख खुलती है। एंड एज इंस्पेक्टर दीपक डोबरियाल डिड ए फैंटास्टिक जॉब, भाई ये दोनों का कॉम्बो एक नंबर, बिल्कुल फाड़ के काम किया है। मूवी इज फकिंग सुपर डुपर ऑसम, लिटरली भाई अगर कुछ नहीं है तो देखो इसे, लिख के दे रहा हूँ, मजा आ जाएगा। दूसरा, स्टोरी बिल्कुल प्लेन है, ऐसा नहीं कि सस्पेंस मिस्ट्री का लेवल बहुत हाई होगा, यहां वहां घुमाएंगे, नहीं, जो एज इट इज है वही एज इट इज स्टोरी में पकड़ा जाएगा कि यार ये कैसे पकड़ा जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से पकड़ा जाता है। लेकिन विक्रांत मैसी टोटली मैड पागल टाइप सा कैरेक्टर, जो अपने मुंह से खुद अपनी मर्डर की पूरी गाथा को बताता है, वो भी स्टेशन में बैठ के, वो भी बड़े चाव से, भाई उस बीच उसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस देखना आप हिल जाओगे कसम से, बहुत सॉलिड काम किया है। एक एक चीज कैसे एक साइको किलर बिहेव करेगा, एक एक नर्व को पकड़ा है इस बंदे ने, मैं फिर से फैन हो गया इस बंदे का। भाई मूवी ऑसम है, आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, एंड दाद देनी पड़ेगी मैडॉक फिल्म की, भाई एक के बाद एक ऐसी सुपर डुपर मूवी लेकर आ रहे हैं वो। बॉलीवुड की अगर जो बची कुची शान है ना, भाई मैडॉक पूरा काम कर रहा है उस शान को बरकरार रखने के लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद। लेकिन यहां तक पहुंच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी इस चैनल पर भाई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में बात चल रही है, सीजन 2 चल रहा है, उसके 5 एपिसोड ड्रॉप आउट हो चुके हैं। हाउस ऑफ द ड्रैगन एंड गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से भी रिलेटेड बातें चलती रहती हैं, तो अगर आप नए हो, इंटरेस्टेड हो, तो चैनल विजिट करो और मजे लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।